नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जनरली मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करती हूँ, बट ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हम लोग अपने घरों में कैसे कर सकते हैं या फिर अपनी ऑफिसेस में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने चाहिए ताकि हम लोग सेफ रहे, हमारे परिवारजन सेफ रहे, हमारे ऑफिस मेंबर्स सेफ रहे। तो ये जनरल टॉपिक होगा, ये आप खुद से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी है या नहीं है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये चार्ट बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये बनाया है डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी ने, जो कि PhD है अर्थिंग सिस्टम्स पे एंड ये मेंबर है IMP इंडियन एसोसिएशन एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के। फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ करते हैं। हमें लाइक बेड के पास में अगर इलेक्ट्रिकल का पॉइंट चाहिए, हम लोग एक्सटेंशन कॉर्ड लेके यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी भी एरिया में एक्सटेंशन कॉर्ड लेके अपने इलेक्ट्रिकल अपना लोड उस पर यूज़ करा। बट ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आप इसे हमेशा मत यूज़ करिए। और उसके साथ साथ में अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, इसमें जैसे कि हीटर्स ना यूज़ करें क्योंकि इनका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है और जो एक्सटेंशन कॉर्ड है उसका लोड कम है, उसकी जो तार उसमें यूज़ हो रही है वो जल सकती है। तो आप कोशिश करें कि एक्सटेंशन कॉर्ड कम लगाएं, अगर लगा रहे हैं तो उसको ओवरलोड या बहुत ज़्यादा लोडिंग उसमें ना करें। छोटे छोटे सिस्टम आप लगा सकते हैं, अपना मोबाइल लगा लो उसमें, आप अपने ये लैपटॉप लगा लें, बट हैवी सिस्टम उसमें ना लगाएं, ठीक है। और अपने कनेक्शन लूज कनेक्शंस ना छोड़ें और नंगी तारें या फिर तार कट गई है, तार की जो इंसुलेशन है बाहर की जो कवरिंग है वो हट गई है तो उस पर PVC टेपिंग कर लें और उसको लूज ना ले जाएं, उसको कंड्यूट या फिर ट्रंकिंग में लेके जाएं। थर्ड है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपना लैपटॉप लगाया और लैपटॉप चार्ज हो गया, मैंने स्विच ऑफ कर दिया बट अपना चार्जर वहां से नहीं हटाया, या फिर हमने मान लो प्रेस लगाई, प्रेस भी उसी में लगा, उसका प्लग सॉकेट में लगा छोड़ दिया, उसका स्विच जस्ट ऑफ कर दिया और उसे हटाया नहीं। तो आप कोशिश करें कि आपका कोई भी इक्विपमेंट अगर यूज में नहीं है तो उसका जो प्लग है वो भी सॉकेट से हटा लें, ठीक है। और कॉर्ड्स का ही एक्सटेंशन कॉर्ड है या फिर कोई भी आप पॉइंट को एक्सटेंड करके ले जा रहे हैं तो कोशिश करें उसे अपने कारपेट्स के नीचे या फिर डोर के विंडो के नीचे ना लेके जाएं, ताकि वो अगर कहीं पे कट गया है तो वो करंट दे सकता है आपको। अपने घरों में प्रॉपर अर्थिंग करवाएं, अर्थिंग सिस्टम आपके घर में होना चाहिए। और अर्थिंग किस लिए ज़रूरी है, अर्थिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर लीकेज करंट है तो आपको शॉक से बचा सकती है। और उसके साथ साथ में एक RCC भी होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है आपका उसमें RCC भी आप यूज़ करें, लीकेज करंट है तो RCC भी ट्रिप हो जाए और आप लोग सेफ रहें। आपके जितने भी स्विच सॉकेट्स हैं, आपके जितने भी लाइटनिंग सिस्टम हैं उसके साथ में MCB कनेक्ट ज़रूर करें, और ये MCB की रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रॉपर कैसे होगा, वो फिर टेक्निकल हो गया। प्रॉपर मैं आपको बोलूँ अगर छोटा मतलब शॉर्ट में, तो अगर आपका लाइट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो लाइट के लिए आप 6 एम्पेयर की 10 एम्पेयर की MCB लगाएंगे, और अगर आप AC यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर ओवन यूज़ कर रहे हैं या बड़े हैवी लोड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 16 एम्पेयर से ऊपर की MCB लगाएंगे। और आपके जो तार है उसका भी आप प्रॉपर सिलेक्शन करिए,
उसकी भी रेटिंग होती है कि आपकी तार कितने की होनी चाहिए, किस सिस्टम के लिए आपको। जैसे मैंने बोला, अगर गीजर है, एसी है, तो उसके लिए 4 square mm की तार रहेगी। और अगर आपकी स्विच सॉकेट है बस छोटे 6 ampere के, टीवी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो 2.5 square mm पे चलेगा। और आपका जो लाइट सिस्टम है वो 1.5 square mm में चल सकता है। तो प्रॉपर लाइट की जो वायरिंग है वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये तो आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही नोटिस करेंगे, ये अगर बाद में भी आप कुछ रिनोवेट करवा रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रिशियन से बोलें कि इस तरीके से वायर सिलेक्शन करें। एंड फ्रेंड्स, आपको अपनी इंडस्ट्री में, अपने फैक्ट्री में या फिर अपनी कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करवाना हो, या MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ऑडिट करवाना हो, या फिर आपको एनर्जी ऑडिट करवाना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ थोड़े पॉइंट्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अपने घरों में कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग समझ में आया होगा। और आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड आपकी कोई सजेशंस हो, आपकी कुछ क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।